हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB PGT हिंदी के पेपर का सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो पुराने पेपर होते हैं, ओल्ड पेपर्स होते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी पेपर को देने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं ऐसे कैसे उठाकर एग्ज़ाम में रख दिए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस उनकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके रख दिए जाते हैं, और काफ़ी पैटर्न हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से पेपर के लिए पढ़ना है, किस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए ताकि हम किसी भी पेपर को क्रैक कर सकें। तो इसीलिए हम ये पुराने पेपर्स की, प्रीवियस पेपर्स की सीरीज़ लेकर के आए हैं। आप वीडियोस को ध्यान से देखें, और मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ आप उन सबको देखें कि आपको कितना पार्ट आता है, आपको क्या पढ़ना है, उसके लिए कितना प्लस आपकी तैयारी है, कितनी आपको तैयारी और करनी है ताकि आप DSSB का पेपर क्रैक कर सकें। तो आप अपने पॉइंट्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस अच्छे से आते थे। हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही डैश के इन पदों को भी। यहाँ किसके पदों की तुलना शुक्ल के गीत गोविंद से की है। यहाँ पर ये जो फिलअप दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ये फिल करना है कि ये किससे तुलना की गई है। तो इसमें जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा विद्यापति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। इसका ऑप्शन फर्स्ट बीसल देव रासो सही है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है। अब हमें इन चारों में से कौन सा नामकरण गलत है वो देखना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है रीतिकाल, वह गलत है, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट हिंदी साहित्य की आलोचना। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। रचनाओं का मौखिक उल्लेख, ऑप्शन फर्स्ट। आलाउदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है। वो है परमाल रासो के ग्रंथ में। यूनानी विद्वान हीरोदोट्स ने इतिहास के चार लक्षण निर्धारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से एक नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही होगा, यह आदर्श मूलक विधा है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है। यह जो कथन दिया गया है वह है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि डैश, यहाँ पर इस जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन थर्ड युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालो की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। ऑप्शन फोर रामचंद्र शुक्ला। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें ऑप्शन फोर्थ सही होगा, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन थर्ड हिंदी साहित्य का विकास। देसिल बैना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है। ऑप्शन सेकंड यह है देशी भाषा की पंक्ति।
डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ऑप्शन सेकंड, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? सन 1929 ईस्वी में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ऑप्शन फोर, स्वयंभू को। पंडिय सल सत्य बखाइन देह ही बुद्ध बसंत न जाइन, यह किसकी काव्य पंक्ति है? यह जो काव्य पंक्ति है वह है सरयपाद की। ऑप्शन थर्ड, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? वह गोरखनाथ को माना जाता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। इस तरह से हमारे अगले सब्जेक्ट रिलेटेड के अगले 20 क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? ऑप्शन पहला, उनके राम वैष्णवों के राम ही थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। ऑप्शन सेकंड, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और हमें तीसरा इसका अवयव बताना है, वो है भक्ति। ऑप्शन फर्स्ट, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? उसमें कुल 7 कांड है। ऑप्शन फर्स्ट, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह किसने कहा है? यह कथन तुलसीदास जी ने कहा है। ऑप्शन सेकंड, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी, यह किसकी काव्य पंक्ति है? यह ऑप्शन सेकंड, रैदास की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी पुस्तक जायसी के द्वारा नहीं लिखी गई है, वह है ऑप्शन फर्स्ट, मृगावती। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? इसमें कुल 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया? उन्होंने अद्वैतवाद का निरूपण किया। ऑप्शन फोर, पद्मावत की रचना शैली क्या है? ऑप्शन फोर, फारसी की मसनवी शैली। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा नया तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? ऑप्शन थर्ड, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन फोर, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? ऑप्शन सेकंड, सिद्धांत पंचमात्रा। पियू सो कहे हु संदेश डा हे भोरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआ हमह लाग, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? हमें बताना है कि ये जो ऊपर 2 पंक्तियां दी हुई है इनमें कौन सा छंद है? इनमें है दोहा। ऑप्शन फर्स्ट, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सेकंड, उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। गीतावली की भाषा क्या है? उसकी भाषा ब्रिज भाषा है। ऑप्शन सेकंड, मोही का हसे हिसी की कोह रही,
इसका क्या तात्पर्य है, हमें इस लाइन का मतलब बताना है। इसका मतलब है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया, वह किया था वल्लभाचार्य ने। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है, यह है सुंदर कांड में, ऑप्शन सेकंड। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन और ख़त्म होते हैं और हमारे अगले 20 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हम अब इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आप साथ साथ ही अपने क्वेश्चंस देखते रहें कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सही तरह से आते हैं और किन के लिए आपको और प्रैक्टिस की और पढ़ने की ज़रूरत है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है, उनका दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैत। बर्व नायिका भेद किसकी रचना है, यह रचना रहीम की है। रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में रखकर की गई हो, ऑप्शन 4। रास पंचा ध्यायी के रचनाकार कौन है, हमें इसकी इस रचना के रचनाकार का नाम बताना है, वह है नंददास। भाषा भूषण के रचयिता कौन है, जसवंत सिंह। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है, वह मिलता है भ्रमर गीत में, ऑप्शन 2। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार हैं केशव दास। रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है, शृंगारिकता, ऑप्शन 4। जो हो मातुमते मह हवे हो, तो जननी जग में या मुक्की, कहाँ कालिमा द्वै हो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है, इसकी भाषा है ब्रिज भाषा, ऑप्शन 4। सत्सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है, यह कहा गया है बिहारी के दोहों के लिए, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं, देव, ऑप्शन 2। काव्य निर्णय की रचना किसने की, भिखारी दास जी ने, ऑप्शन 4। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है, यह कथन किसका है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किसने दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती, ऐसा कहा था अंदाल ने, ऑप्शन 1। वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा, ऑप्शन 4, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है, ऑप्शन 1, नाभादास। निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन 3, भूषण। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं, साहित्य लहरी, ऑप्शन 1। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी, वह दी थी पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है, भक्ति काल को, ऑप्शन 1। हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, आज हमने इसके 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इसके अगले सेशन में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और आपके जितने क्वेश्चन सही हों वो मेरे साथ अपने पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि